द सेकेंड आर्टिकल ऑफ द डे इज द इनजस्टिस ऑफ एक्सेप्शनलिज्म. क्या हुआ है इस केस में? 11 लोग जिनको लाइफ इंप्रिजनमेंट दी गई थी 2008 में बिकॉज ऑफ ए गैंग रेप, द केस नोन एज द बिल्किस बानो केस, उसमें उनको रिलीज कर दिया गया है फ्रॉम अ जेल इन गुजरात. इससे क्या क्वेश्चन होता है? इससे ये क्वेश्चन होता है कि स्टेट गवर्नमेंट की जो रेमिनिशन पॉलिसीज हैं उसमें कुछ कहीं बायसनेस तो नहीं है या फिर कुछ पॉलिटिकल मोटिवेशन तो नहीं है इस चीज़ के पीछे. अब इसका थोड़ा बैकग्राउंड समझेंगे. पहले क्या हुआ कि वन ऑफ द कन्विक्ट्स, 11 कन्विक्ट्स में से एक कन्विक्ट बिल्किस बानो केस में, उन्होंने वो गए गुजरात हाईकोर्ट के पास, वो गया गुजरात हाईकोर्ट के पास और उसने रेमिशन सीक किया. रेमिशन सीक करना मतलब क्या होता है? रेमिशन बेसिकली जो सेंटेंस का ड्यूरेशन होता है उसको रिड्यूस करने के लिए होता है. मतलब जो नेचर है, मान लीजिए कि आपका लाइफ इंप्रिजनमेंट है, वो नेचर चेंज नहीं होगा बट उसका ड्यूरेशन चेंज हो जाएगा. ठीक है, सीआरपीसी के अंदर ही ये चीज़ आती है. लेकिन उस टाइम क्या हुआ, हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया इस प्ली को ये बोल के कि क्योंकि ये जो केस है वो महाराष्ट्र में हुआ था इसलिए इस चीज़ का डिसीजन जो है वो गवर्नमेंट महाराष्ट्र की लेगी ना कि गुजरात की. इसके बाद क्या हुआ, कन्विक्ट फिर चला गया सुप्रीम कोर्ट के पास. उसने प्लीड किया कि क्योंकि वो 15 साल और 4 महीने से जेल में था, उसको रिमिशन का हक बनता है क्योंकि कम से कम जो पॉलिसीज हमारी बनाई गई उसमें 14 साल का अगर इम्प्रिजनमेंट कर ले तो उसके बाद वो एलिजिबल हो जाता है रिमिशन के लिए. ठीक है, तो 1 अप्रैल 2022 तक उसने 15 साल गुजार लिए थे जेल में. कन्विक्ट्स को फिर रिलीज़ कर दिया गया. क्यों कन्विक्ट्स को रिलीज़ कर दिया गया? गुजरात गवर्नमेंट ने तो अडॉप्ट किया था 2014 में एक रिवाइज रेमिशन पॉलिसी जिसमें कि उसने ये कहा था कि जो भी कन्विक्ट्स हैं रेप के वो इनएलिजिबल है फॉर एनी प्री मेच्योर रिलीज़. मतलब उनको जब तक उनका सेंटेंस हो जाता है, सेंटेंस 14 साल के बाद भी वो रेमिशन का जो हक बनता है वो चीज़ उनको नहीं मिलती है जो कि रेप कन्विक्ट्स हैं. सुप्रीम कोर्ट ने फिर डायरेक्शन दिया गुजरात गवर्नमेंट को कि ये जो केस हुआ था पर्टिकुलर, वो जब उन्होंने अडेप्ट की थी रेमिशन की पॉलिसी, जो रिवाइज रेमिशन पॉलिसी है 2014 की, उससे पहले हुई थी, इसलिए जो रेमिनेशन पॉलिसी है 1992 की वो इस चीज़ में इफेक्टिव होता क्योंकि टाइम ऑफ कन्विक्शन के टाइम, कन्विक्शन के टाइम पे रेमिशन पॉलिसी ऑफ 1992 वाज बीइंग इम्प्लीमेंटेड. ठीक है, और इस रेमिशन पॉलिसी 1992 में जो कन्विक्ट थे रेप के उनको हम एक्सक्लूड नहीं कर रहे थे. इसके बाद क्या हुआ, गुजरात गवर्नमेंट ने एक कमेटी बैठाई, कमेटी ने फिर एक यूनानिमस डिसीजन लिया. उन्होंने कहा कि 11 की 11 कन्विक्ट्स को रिलीज़ कर दिया जाए इन फेवर ऑफ रेमिशन उन्होंने किया. अब इसके ऊपर तो फिर दो राय बनने लगी कि क्यों उसको रेमिशन दिया गया क्यों नहीं दिया गया, तो हम इन्हीं दो रायों को समझेंगे. रेमिशन पहले क्या होता है ये तो हमने समझ लिया. रेमिशन बेसिकली वो होता है जिसमें कि सेंटेंस का जो नेचर है वो अनचेंज रहेगा, अनटच्ड रहेगा, लेकिन जो ड्यूरेशन है वो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस वो जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा. फॉर एग्जांपल अगर किसी को 20 साल की सज़ा मिली है तो उसका सेंटेंस को हम लोग घटा के 15 साल कर सकते हैं. ठीक है, अगर वो रेमिशन की पॉलिसी के अंदर आता है तो. आर्ग्यूमेंट्स क्या है अगेंस्ट द रिलीज ऑफ कन्विक्ट्स? इनएलिजिबल फॉर प्रीमेच्योर रिलीज क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की करंट जो पॉलिसी है 2014 की पॉलिसी, रिवाइज रेमिशन पॉलिसी है, उसमें रेप के कन्विक्ट्स को इनएलिजिबल किया गया है, इसलिए ये चीज़ जो हुई वो सही नहीं हुई. दिस इज़ अ फर्स्ट आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द रिलीज ऑफ कन्विक्ट्स. सेकंड, दिस इज़ इनजस्टिस फॉर द विक्टिम्स एज वेल एज द माइनॉरिटीज कम्युनिटी. जो भी रेप जो हुआ था, जिसका भी रेप किया गया, इट दे बिलोंग टू अ माइनॉरिटी कम्युनिटी, एंड उसके चलते ये हम बोल सकते हैं कि यार जिसके पास पावर रहेगी वो कन्विक्ट तो रिलीज़ हो सकते हैं, उनके लिए तो वो एक जस्टिस वाली जो बात थी जिसके चलते उसको जेल भेजा गया था, लाइफ इंप्रिजनमेंट दिया गया था, वो चीज़ तो खत्म नहीं हो पाई. इसलिए उस एक तरह से बोल सकते हैं कि इट इज़ एन इनजस्टिस फॉर द विक्टिम्स एज वेल एज द माइनॉरिटीज कम्युनिटी. द थर्ड पॉइंट इज सम ऑफ द एक्सपर्ट्स व्यू रेमिशन एज एन अक्यूज्ड ऑफ द अक्यूज्ड एज पॉलिटिकली मोटिवेटेड. हालांकि ये पॉइंट आप एग्जाम में मेंशन नहीं करोगे. ठीक है, वट आर द आर्ग्यूमेंट्स फॉर रिलीज? फर्स्ट आर्ग्यूमेंट एज ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला कि क्योंकि जो रेप का एक्ट हुआ था, इट वॉज द केस बिलोंग टू अ टाइम जहाँ पे रिवाइज रेमिशन पॉलिसी स्टेट गवर्नमेंट की 2014 वाली नहीं चालू हुई थी, इसलिए जो पॉलिसी थी रेमिशन की 1992 में वही इम्प्लीमेंट हो रही थी जिसमें कि रेप कन्विक्ट्स को हम एक्सक्लूड नहीं करते थे. सेकेंड इज द ग्राउंड ऑफ गुड बिहेवियर. ऑब्वियसली गुड बिहेवियर शो किया गया बट ये एक बहुत ही वेग चीज़ है, बट इस चीज़ को कंसिडर कर सकते हैं हम लोग, दैट दिस इज़ वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स फॉर द रिलीज़. सीआरपीसी में क्लियरली लिखा गया है कि जो कन्विक्ट्स हैं, अगर उन्होंने लाइफ टाइम कन्विक्ट्स, अगर 14 साल की उन्होंने सज़ा काट ली है तो उन वो हकदार होते हैं एक प्री मेच्योर रिलीज़ के या फिर रेमिशन के. तो ये एक फेवर में पॉइंट हो गया. इस केस में क्या हुआ था, 11 आदमियों ने 15 साल से ज़्यादा की सज़ा काट ली थी, इसके चलते वो 14 साल वाला जो टर्म हो जाता है वो इररिलेवेंट हो जाता है, इसके चलते वो हम लोग एक्सेप्ट करते हैं कि यार चलो ठीक है, उन लोगों को हम लोगों ने रिलीज़ कर दिया. अभी हम लोग जानेंगे पावर ऑफ गवर्नर. गवर्नर का पावर क्या है? स्टेट गवर्नमेंट ने एक
डेवलप किया था एक प्री मेच्योर रिलीज रूल्स, है ना। हर सारे स्टेट गवर्नमेंट्स प्री मेच्योर रिलीज रूल्स करते हैं बिकॉज रेमिशन जो है वो बहुत सारे लोगों की तरफ से आता है, बहुत सारे कन्विक्ट्स रेमिशन की गुहार करते हैं। और उस केस में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 161 के अंदर गवर्नर के पास पावर होता है कि वो रेमिशन का रूल अप्लाई कर सकता है। दोज पावर्स आर नॉट गवर्न्ड बाय द सीआरपीसी एंड इसलिए वो बाईपास कर सकता है जो मिनिमम 14 ईयर्स का रिक्वायरमेंट है एक्चुअल इम्प्रिजनमेंट का सीआरपीसी का। मतलब अगर गवर्नर ने बोला कि नहीं इसकी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई गई थी लेकिन बिकॉज ऑफ गुड बिहेवियर आई एम रिड्यूसिंग, उसने 10 साल ही अगर सज़ा काटी है तब भी उसको रिड्यूस करके वो 9 साल तक ही कर सकते हैं। अगर 10 साल का कर दिया है और गवर्नर ने बोल दिया कि नहीं ये रेमिशन के हकदार हैं बिकॉज इन्होंने अच्छी बिहेवियर दिखाई है, तो वो चीज़ भी बाईपास कर सकती है सीआरपीसी को, 14 साल की सज़ा काटने की ज़रूरत नहीं होगी। आर्टिकल 161 क्या है, इट डील्स विद द पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर एंड गवर्नर इन दिस केस कैन पार्डन रिप्राइव रेस्पाइट रेमिशन ऑफ पनिशमेंट्स और सस्पेंड रेमिट एंड कम्यूट द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस अगेंस्ट एनी लॉ रिलेटिंग टू द मैटर विच द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट एक्सटेंड्स। दिस इज अ वेरी क्लियर कट पॉइंट।